नकली वैल्यूअर के पास जाओ
मैं आपके साथ चलूंगा और राजा के सामने ऐसा ऐसा बोल दूंगा जो आपने मुझे बोला। आगे क्या हुआ इस स्टोरी में? जब वो कोर्ट में गए तो जो हॉर्स हिलर था उसने वो राजा के सामने गया और उसने बोला, ओ मेरे राजा, जैसा मुझे पता है मैंने 500 घोड़े बेचे, 500 घोड़े बेचे मुझे कितनी कीमत मिली उसकी? एक माप चावल, अ मेजर ऑफ राइस। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं एक माप चावल को बेचना चाहूँ तो मुझे उसकी कीमत क्या मिलेगी? राजा तो ये जानना था, उसने अपने वेल्यूअर को बुलाया और बोला, बताओ एक माप चावल की कीमत क्या होगी? तो जो वेल्यूअर था उसने बोला, राजा एक माप चावल की कीमत होगी आपकी पूरी पूरा शहर आपका, मतलब एक माप की चावल की कीमत की बदले पूरा शहर को मिल सकता है। तो ये सुनकर जो बाकी जो मिनिस्टर मंत्री राजा के साथ काम करते थे वो जोर जोर से हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि उसने सिर्फ एक माप चावल की कीमत क्या बोली, पूरा शहर, क्या एक माप चावल की कीमत की बदले पूरा शहर मिल सकता है? तो ये सुनकर बाकी मिनिस्टर जोर जोर से हंसने लगे। हंसने की बात है तो वो हंसने लगे कि उसने बेवकूफ वाली बात की, ये तो आप भी समझ सकते हैं। आगे क्या हुआ? जब राजा ने ये देखा कि उसके बाकी मंत्री हैं वो हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि मंत्री सोचते थे कि उसका जो शहर है इतना सुंदर, राजा का शहर है उसके तो कोई कीमत ही नहीं हो सकती, वो इतना अच्छा इतना सुंदर है कि कोई कीमत ही नहीं लग सकता। लेकिन जो वैल्यूअर था, जो नया वैल्यूअर था, उसने क्या किया, एक माप चावल की कीमत क्या बता दी, पूरी सिटी उसकी पूरा शहर। ये सुनकर सारे मिनिस्टर हंसने लगे। जब मिनिस्टर जोर जोर से सारे ऊपर हंस रहे तो ये देखकर राजा को बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, ही फील अशेम्ड। इस वजह से जो वैल्यूअर था जिसको फार्मर को सिंपल से फार्मर को वैल्यूअर बनाकर रख रखा था उसे कोर्ट से बाहर निकाल दिया। जाते जाते जो वैल्यूअर जब राजा ने कोर्ट से निकाला उसके, फिर जाते जाते जो वैल्यूअर था वो क्या बोलने लगा कि राजा मैं हमेशा कम कीमत लगाता था, मैंने 500 घोड़ों की कम कीमत लगाई ताकि आपको खुशी मिल सके, ताकि आप मुझसे खुश हो सको। लेकिन देखो मेरी गलती वजह से ये क्या हो गया, सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं, ये कहकर वो वहां से भाग गया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, बीमार राजा की बात, वैल्यूअर की बात और फर्स्ट डीलर की बात। कैसे जो राजा था बीमार था तो उसने नए वैल्यूअर को अपॉइंट किया और उसने अपनी बेवकूफी से सारे मंत्रियों को हंसने का मौका दिया जिसकी वजह से राजा को शर्मिंदगी फील होने लगी। वो कैसा फील करने लगा, अशेम्ड फील करने लगा। अंडरस्टैंड? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो चलिए हम इसकी थीम बताते हैं, हमें द मेजर ऑफ राइस। इस चैप्टर वन से द मेजर ऑफ राइस से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो हमारे साथी हैं, हम जो हमारे साथी हमारे फ्रेंड जो चुनते हैं जिन्हें हम फ्रेंड बनाते हैं वो कैसे होने चाहिए, हमेशा ईमानदार, जो हमेशा हमारा सही गलत में मदद करे, ना कि हमारी चापलूसी करे और हमें गलत में भी हमारा साथ। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ